गाइस आज की वीडियो में मैं आपको यहां पर प्रीवो एप्लीकेशंस की मदद से यहां पर लोन के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। और गाइस यहां पर प्रीवो एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स भी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होगा, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, बस आपको सर्च वाले ऑप्शंस में प्रीवो लोन एप्लीकर सर्च करना है। कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशंस यहां पर शो हो जाएगी। यहाँ पर ये एप्लीकेशंस गाइस शो हो रही है प्रीवो इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऐप के जरिए, मतलब ये इसका टाइटल है। तो गाइस इस एप्लीकेशंस को आपको आप प्रीवो लिखकर भी सर्च करोगे तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशंस आ जाएगी। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में गाइस पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक से डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद में यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर गाइस इस एप्लीकेशंस की रेटिंग की बात करें तो 3.7 की इस एप्लीकेशंस की रेटिंग है, मतलब काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यू इसमें हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके साथ में गाइस 1 स्टार भी रेटिंग इसको काफ़ी यूजर्स ने दी हुई है, यानी कि नेगेटिव रिव्यू भी इसमें बहुत सारे हैं। अगर इस एप्लीकेशंस के डाउनलोड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर गाइस 5 लाख से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशंस को अभी फिलहाल में यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोग इसमें रिव्यूज़ दे चुके हैं। अगर यहाँ पर गाइस इस एप्लीकेशंस की डाटा सेफ्टी को देखें कि ये एप्लीकेशंस हमारे कितने प्रकार के डाटा को शेयर करती है और डाटा कलेक्ट करती है, तो गाइस अगर बात करें डाटा शेयर करने की तो ये एप्लीकेशंस हमारे सिर्फ मैसेजेस को यहाँ पर शेयर करती है। बाकी गाइस बात करें डाटा कलेक्ट करने की तो ये एप्लीकेशंस हमारी लोकेशंस, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में बहुत सारी डिटेल है जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र आईडी वगैरह, और यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस, ऐप एक्टिविटी, डिवाइसेस और अदर आईडीज, ये इतनी डिटेल्स हमसे कलेक्ट करती है। ये डाटा कलेक्ट करने की भी डिटेल्स मैंने आपको बता दिए गाइस। अभी इस एप्लीकेशंस के बारे में पहले कुछ डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अबाउट दिस ऐप पर चलेंगे। तो गाइस ये एप्लीकेशंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है कि गेट इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का लोन अमाउंट ये आपको प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बता रखा है वो 9.99% का इंटरेस्ट रेट इन्होंने बता रखा है, यानी कि सिर्फ 10% का इंटरेस्ट रेट इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। लेकिन हो सकता है गाइस यहाँ पर ज़्यादा भी चार्ज करे। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके बेनिफिट वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि बेनिफिट ओनली अमाउंट यू यूज ओपन क्रेडिट लाइन अप टू 5 लाख एट प्रीवो, पे इंटरेस्ट ओनली द अमाउंट टू विड्रॉल, लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है, जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट है यहाँ पर 10% से है और यहाँ पर 39%, यानी कि 40% तक ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम है। 10% से स्टार्ट है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो, और यहाँ पर 40% तक का इंटरेस्ट रेट आप में लग सकता है। यहाँ पर लोन अमाउंट की अगर बात करें तो 20,000 मिनिमम है, और अगर उससे ऊपर की बात करें तो आप 5 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। टेन्योर की अगर बात करें तो 3 मंथ्स मिनिमम है और 60 मंथ मैक्सिमम इसका टेन्योर है। नो हिडन फीस है, हिडन फीस कुछ भी नहीं है, ऐसा इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ईएमआई रीपेमेंट ऑफर्स, सिलेक्ट ईएमआई ऑप्शंस, रीपे कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रखा है। 100% पेपरलेस प्रोसेस है, सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस है इसमें। गेट इंस्टेंट क्रेडिट विथ दिस सेफ ऐप डिजाइंड यूजिंग एडवांस इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज, कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करें और इस एप्लीकेशंस के बारे में देखें तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि 20,000 से 5 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, 3 मंथ से लेकर तो 60 मंथ तक का यहाँ पर इसमें टेन्योर रहेगा। जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% से 40% तक का रहेगा। जो प्रोसेसिंग फीस इसमें लगेगी वो 1% से 3% के बीच में लगेगी। जो इसमें गाइस स्टेप्स हमें प्रोवाइड कर रखे हैं कि क्या स्टेप्स है, तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना होगा और आपको सेटअप करना होगा अपना प्रोफाइल, उसके बाद में आपको KYC को कंप्लीट करना होगा और प्रोसेड ऑटो पे, आपको ऑटो पे को भी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जो तीसरी स्टेप है उसमें आपको बता रखा है कि चूज एन अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट आपको चाहिए वो लोन अमाउंट आपको चूज करना है। इसमें बीच में आपकी गाइस एलिजिबिलिटी भी चेक की जाएगी, अगर आप इनके क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो आपको गाइस यहाँ पर इजीली लोन अमाउंट मिल जाएगा। एक एग्जांपल प्रोवाइड कर रखा है लोन अमाउंट का, उसको हम देख सकते हैं। 1 लाख का लोन अमाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो टेन्योर 12 मंथ का है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 14% का है, जो ईएमआई बनेगी वो 8,980 मतलब ₹80 बनेगी इसकी, और जो इंटरेस्ट पेएबल रहेगा वो 8,980 यहाँ पर बनेगी। प्रोसेसिंग फीस 1% के हिसाब से ₹1,180 बनेगी और जो टोटल कॉस्ट आएगी लोन अमाउंट पे वो ₹1,07,748 आएगी। जो बैंक अकाउंट में आएगा हमारा लोन अमाउंट वो ₹98,628 आएगा। और यहाँ पर कुछ BPI यहाँ पर ब्रोकन पीरियड जो इंटरेस्ट रहेगा वो ₹192 का रहेगा, जो APR रहेगा वो 16.65% का रहेगा। जो एडिशनल चार्जेस है उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ एडिशनल चार्जेस भी आपसे लेंगे। अगर इसमें गाइस एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एज है गाइस वो यहाँ पर 21 ईयर से लेकर 57 ईयर के बीच में होनी चाहिए,
और आप सैलरीड एम्प्लॉय विद ए मंथली इनकम, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपकी मंथली जो इनकम है गाइस वो 18,000 से ज्यादा होनी चाहिए और जो आपकी सिविल स्कोर है वो 700 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में भी प्रोवाइड कर रखा है और जो इस एप्लीकेशन के बेनिफिट है गाइस वो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। काफ़ी तरह के लोन अमाउंट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, इनको आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है लोन की बेसिक से डिटेल्स को देखेंगे, यानी कि क्या प्रोसेस है। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। अभी गई सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लोन की प्रोसेस जो है गई देखनी है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर लॉगिन की प्रोसेस होगी, तो आपको यहाँ पर ऐसे स्लाइड करना है, स्लाइड आपको करते जाना है और नीचे लेट्स गो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है गाइस, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा, जैसे कि लोकेशंस की परमिशंस, कैमरे की परमिशंस और एसएमएस की परमिशंस, तो ये तीनों परमिशंस को आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करके अलाउ करना होगा। उसके बाद में अलाउ पर क्लिक करके अलाउ भी करना होगा, तो ये सारी डिटेल्स को मैं यहाँ पर अलाउ करता हूँ, यानी कि इन सभी परमिशंस को आपको देना होगा, तभी आप इस एप्लीकेशन में आगे की प्रोसेस पर बढ़ पाओगे। उसके बाद में इस एप्लीकेशन का होम इंटरफेस पर हम आ चुके हैं गाइस, अभी यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, हमको थोड़े टाइम वेट करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर सिंपल स्टेप्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, तो सबसे पहले तो हमें हमारे बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने ऑफर निकल कर आएगा, ये डिटेल्स मैं आपको गाइस यहाँ से बता रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ से देख ही सकते हो। उसके बाद में आपकी आइडेंटिफाई को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट को लिंक किया जाएगा और आप जो है विड्रॉल मनी कर सकते हो। ये कुछ सिंपल सी स्टेप्स हैं, तो इनको आपको फॉलो करना है। अभी आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अभी आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जिसकी आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर हो, डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, यहाँ पर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने पैन कार्ड के नंबर फिलअप करने हैं, आपका जो पिन कोड है वो फिलअप करना है और एक ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस पर चलते हैं गाइस। यहाँ पर गाइस इन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है गाइस। मेरी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है उसका कारण यह है गाइस कि इनकी जो सर्विस है वो हमारे एरिया में अभी सर्विसेबल नहीं है, यानी कि जो मैंने पिन कोड यहाँ पर फिलअप किया था उस पिन कोड पर यहाँ पर जो है गाइस इसके जो लोन अमाउंट की सर्विस नहीं है, तो इस कारण से इन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अदरवाइज गाइस मेरे जो सिविल स्कोर है वो 700 से ऊपर भी थे और यहाँ पर मैंने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फॉलो किया था, लेकिन इन्होंने इसमें सिर्फ यही प्रोवाइड कर रखा है कि जो है हमारी जो लोकेशन है यहाँ पर इसकी सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस योर एप्लीकेशंस एज योर लोकेशंस इज करंटली अनसर्विसेबल, मतलब हमारी लोकेशंस की वजह से हमारी एप्लीकेशंस यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है, लेकिन अगर आपकी लोकेशंस में गाइस ये एप्लीकेशन सर्विसेबल है तो आपको काफ़ी आसान तरीके से लोन अमाउंट मिल जाएगा, बस आपने इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया हो, यानी कि आपकी एज और आपके सिविल स्कोर ये दोनों गाइस बढ़िया होने चाहिए। सिविल स्कोर 700 से ऊपर होने चाहिए और आपकी एज 21 ईयर से 57 ईयर के बीच में होनी चाहिए, तब आप इस एप्लीकेशन की मदद से लोन अमाउंट इजीली ले पाओगे। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।